हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नमकीन चना दाल रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे दाल बोट भी कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी घर पे बना सकता है। ये हम चना दाल नमकीन बनाना शुरू करते हैं। चना दाल नमकीन बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है चना दाल। चना दाल हमने 150 ग्राम लिया था। इसे दो पानी से धो के और 4 घंटे पहले हमने भिंगो दिया था। इसे भिंगाने से पहले हम पानी में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मिक्स किए थे। इससे क्या होता है, चना दाल सॉफ्ट हो जाता है। फिर हम इसे स्टेन करके एक कॉटन क्लॉथ में अच्छे से सुखा लिए हैं। आप चाहें तो इसे पंखा के नीचे रख सकते हैं। जैसे भी हो इसका मॉइस्चर निकल जाना चाहिए। इस प्रकार ये फरारा होना चाहिए। काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, सफेद नमक, ब्लैक पेपर, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और फ्राई के लिए हमने कुकिंग ऑयल लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे, ये रख लेंगे। तो हम गैस को ऑन कर लेंगे और इतने में हम मसाला तैयार करेंगे। गर्म हो चुका है, यहाँ पे हम हाथ रख रहे हैं तो हीट आ रहा है। अब हम एक चना दाल डाल के चेक करेंगे तो दाल तैर के अपना ऊपर आ गया। अब हम एक छोटे बाउल में चना दाल निकाल निकाल के और धीरे धीरे तेल में डाल देंगे, क्योंकि तेल अपना उड़ता है। और ऐसे हम इसे चला चला के जब तक झाग आएगा तब तक हम तेल फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, एक एक दाल अपना ऊपर तैरना शुरू कर दिया है। जब सारे दाल अपना तैर के ऊपर आ जाएगा तो हम गैस को थोड़ी देर मीडियम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं तेल के ऊपर दाल तैरने लगा है। सारे दाल तैर के ऊपर आ गए हैं। तो आप समझिए, अब ये अपना चना दाल तैयार हो गया है। अगर नहीं समझ में आए तो हम एक दाल को निकालेंगे और इसे हाथ में लेके ऐसे तोड़ेंगे तो ये अपना चना दाल एकदम कुरकुरा जैसा मैश रहा है। अब हम इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और ऐसे एक जाली वाली दूसरी छलनी लेंगे और उसमें हम ये दाल को ऐसे छान के और इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसका एक्स्ट्रा तेल जो है कढ़ाई में ही गिर जाएगा। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके सारे दाल को निकाल लेंगे। ये अपना एकदम हल्का चना दाल तैयार हुआ है, यानी कि इसे हम एकदम सॉफ्ट कर सकते हैं। तेल पूरा गिर चुका है। अब हम एक प्लेट पर किचन पेपर रखेंगे और उसपे इस दाल को ऐसे निकाल लेंगे। कितना सुंदर चना दाल तैयार हुआ है। तो अब ऐसे ही हम दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। तो ये दूसरी वाली कटोरी हम लेंगे और झड़ने के सहारे धीरे धीरे तेल में डाल देंगे। तो आप ध्यान से देखिए कैसे झाग उठ रहा है और ये 2 मिनट बाद तैर के ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम एकदम तेज रखेंगे। तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूसरा बैच भी अपना तैयार है। देखिए तैर के ऊपर आने लगा है।
तो अब हम इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे कुरकुरा होने देंगे। अब ये भी कुरकुरा हो चुका है। अब हम सेम ऐसे झरने में इसको थोड़ा थोड़ा निकाल के और डालते जाएंगे, जिससे सारा तेल नीचे निकल जाएगा। झरने आजकल कई प्रकार के आ रहे हैं, तो आप चाहें तो वैसा हो उससे भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरा बैच भी प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तेल में हम बाकी के भी दाल डाल देंगे और इसे भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, कभी भी फ्राई करते वक्त आप तेल कढ़ाई के नीचे तक ही रखें, क्योंकि इसमें से एक झाग निकलता है। तो छोटा कढ़ाई होगा तो तेल ऊपर तक उछल के आएगा। तो आप बड़ी पेंदी की कढ़ाई लें और तेल थोड़ा नीचे ही रखें। सारे चना दाल को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम एक दूसरा पेपर लेंगे और इसे हम इसे दबा दबा के पोंछ लेंगे। हम कोशिश करेंगे इसका जितना एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकाल दें। तो ऐसे हम तेल को निकाल देंगे। हमने सारे तेल निकाल दिया है। अब जो हमने मसाला तैयार किया था उसको इस पर ऐसे छिड़केंगे और मिक्स कर लेंगे। तो आप देखिए इसमें से कैसे आवाज आ रहा है। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा मिर्च की मात्रा कम कर दीजिए। ऐसे हम इसे मिक्स कर लेंगे। ऐसे हम टोस्ट भी कर सकते हैं। तो सारा मसाला अपना अच्छे से मिक्स हो गया है। नमकीन चना दाल बनकर तैयार है। इसे आप भी बनाइए। दो तीन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो चना दाल बाजार जैसे तैयार होगा। जैसे कि पानी में भिगोते टाइम इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डालना, पानी को स्टेन करने के बाद इसे कॉटन क्लॉथ में अच्छे से पानी को सुखा लेना, तेल को पूरा गर्म होने के बाद इसे फ्राई करें। कढ़ाई में तेल आधी ही रखें, इससे सेफ्टी रहता है। तो इस प्रकार से आप भी इस नमकीन को बना सकते हैं। नमकीन चना दाल रेसिपी बनकर तैयार है। इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।